बीजेपी नेता और धाकड़ समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष राधेश्याम धाकड़ की ये धमकी काफी है। कोलारस मुकाबले उपचुनाव के सियासी पारे की गर्मी को नापने के लिए यहां से सीएम शिवराज सिंह चौहान और वहां से ज्योतिरादित्य सिंधिया की साख का सवाल बने इन चुनाव को लेकर सियासी टकराव का दौर उस बिंदु पर पहुंच चुका है जो बहुत कम ही देखने को मिलता है और धाकड़ के बयान को उसी टकराव की एक वानगी भर मान सकते हैं। वैसे देखा जाए तो अपनी शुरुआत के साथ ही ये उपचुनाव काफी खास बन गए हैं और इन्हें लेकर दांव पर लग गई है सत्तारूढ़ बीजेपी और विपक्षी कांग्रेस की प्रतिष्ठा। इस दौरान बीजेपी के सामने जहां इन चुनाव को जीतकर साल के अंत में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में खुद की धमक को बरकरार रखने की चुनौती है, तो वहीं कांग्रेस खुद की दोनों सीटों को जीतकर न सिर्फ खुद के गढ़ को मजबूत बनाए रखना चाहती है बल्कि प्रदेश की सियासत की फाइनल रेस से पहले वे भी ऐसी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती जिससे उसे हल्के में लिया जाए। कुल मिलाकर मुकावली और कोलारस उपचुनाव को लेकर सामने आया सियासी घमासान इन दिनों पूरे प्रदेश की सियासत का केंद्र बन गया है और इसके एक तरफ जहां बीजेपी के चुनावी चेहरे सीएम शिवराज हैं, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से मोर्चा संभालने का काम कर रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। और जबकि सिंधिया को कांग्रेस के चेहरे की रेस में सबसे आगे माना जा रहा है, ऐसे में ये उपचुनाव उनके लिए छोटी चुनौती है जिससे पार पाने की वे हर संभव कोशिश करते भी नजर आ रहे हैं। दूसरे नजरिए से देखें तो ये जंग सिर्फ शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया के टकराव भर तक ही सीमित नहीं है बल्कि इसके अलावा दोनों ही सियासी दल अलग अलग प्रयोग के जरिए भी खुद को मजबूत करने पर तुले हुए हैं। फिर बात चाहे बीजेपी खेमे से जिम्मेदारी संभाल रहे 5 मंत्रियों की करें या फिर कांग्रेस की तरफ से सिंधिया के अलावा उसके अन्य नेताओं की सक्रियता की, कुल मिलाकर सियासी दलों की कवायद और चुनावी साल ने संबंधित उपचुनाव को एक जंग के माफिक बना दिया है और इस जंग में किसकी जीत होती है और किसकी हार ये देखने वाली बात होगी। न्यूज़ वर्ल्ड डेस्क। कोलारस मुगावली उपचुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही इसे लेकर सियासी पारा अपने चरम पर पहुंचता दिखाई दे रहा है, जिस तरह से आपने रिपोर्ट में देखा। और सियासी आबो हवा के साथ राजनीतिक टकराव ने इस चुनाव के घमासान को और बढ़ाने का काम किया है। इस दौरान फिर चाहे बीजेपी सरकार को सिंधिया की खुली चुनौती की बात करें या फिर बीजेपी नेता राधेश्याम धाकड़ की सिंधिया को दी गई धमकी की, इसके अलावा संगठन स्तर पर दोनों दलों का टकराव भी उपचुनाव को लेकर खास तरह की उधेड़ बुन को अंजाम दे रहा है। नमस्कार, मैं हूं राजेश सक्सेना, स्वागत करता हूं बात मुद्दे की में। आखिर किस करवट बैठेगा मुगावली और कोलारस विधानसभा उपचुनाव का ऊंट और इन चुनाव के नतीजों का प्रदेश विधानसभा चुनाव पर क्या असर पड़ेगा, इन्हीं सवालों की तलाशेंगे हम जवाब अपने विशेष दंगल में। लेकिन अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएं इससे पहले नजर डालते हैं इससे जुड़े प्रमुख बिंदुओं पर। क्या बीजेपी और कांग्रेस की साख का सवाल बन गया है कोलारस मुगावली उपचुनाव? चुनाव प्रचार के दौरान सिंधिया पर किए गए व्यक्तिगत हमले के क्या मायने? विधानसभा चुनाव के नतीजों को किस तरह प्रभावित करेंगे इन चुनाव के नतीजे? इस चुनावी रेस में बीजेपी को मिलेगी जीत या कांग्रेस लहराएगी परचम? तो बिल्कुल दंगल तैयार है। जिस तरह से मुगावली और कोलारस में उपचुनाव होना है, चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है लेकिन ताल दोनों तरफ से ठोक दी गई है। आज चर्चा करेंगे इसी से जुड़े सवालों से जो कि और उनके तलाशेंगे जवाब। हमारे स्टूडियो में जो मेहमान हमारे साथ में आज मौजूद हैं उनसे आपका परिचय करा दें, तारुफ करा दें। हमारे साथ में हैं वरिष्ठ पत्रकार संजीव श्रीवास्तव साहब। संजीव जी बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ में है बीजेपी नेता दुर्गेश केशवानी जी। दुर्गेश जी आपका बहुत स्वागत है। और कांग्रेस नेता आनंद तारण साहब हमारे साथ में। आनंद जी बहुत स्वागत है। सबसे पहले एक वरिष्ठ पत्रकार की नज़र से देखेंगे इस दंगल को। संजीव जी क्या कहेंगे, चूंकि तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, 2018 में जिस तरह से विधानसभा के चुनाव हैं उससे पहले
ये चुनाव क्या लिटमस टेस्ट सेमीफाइनल माना जाए? जो भी चुनाव होते हैं, जो प्रमुख दल होते हैं, उनकी साख हमेशा से दांव पे रहती है। उपचुनाव कोशिश यही होती है, सत्तारूढ़ दल की कोशिश होती है कि वो जीते, प्रतिपक्ष कोशिश करता है जिसके दो सीट नहीं रही तो वो वापस करे। ये दो जो उपचुनाव होने जा रहे हैं कोलारस और मोगावली की, इसमें दोनों सीटें कांग्रेस के पास होती थी। अभी तारीख की घोषणा होना है और मुझे तो बहुत कम संभावना नज़र आती है। हालांकि मेरा ये तर्क हो सकता है कई लोगों को बेतुका सा लगे, मुझे लगता है कि उपचुनाव शायद हो पाए। अभी तारीखें आना है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के क्या रुख होता है, अब 8-10 महीने तो बचे हैं। अगस्त से फाइनल की तैयारी, जो मध्य प्रदेश विधानसभा के 2018 इसी साल चुनाव होना है आखिर में, उसकी तैयारी शुरू हो जाएगी। लेकिन हाँ, जो आपने सवाल किया है कि जो उपचुनाव में साख साख दोनों दलों की दांव पर है और कोशिश होती है, लिटमस टेस्ट हमेशा से दलों का होता रहा है। सत्तारूढ़ दल की कोशिश होगी कि दोनों उपचुनाव ये जीते, क्योंकि यदि वो ये उपचुनाव जीतती है जो तारीखें घोषित होना है उसके बाद, तो बेशक उसका अपना एक, चूंकि ये कांग्रेस के पास दोनों सीटें थी तो उसका अपना एक आत्मविश्वास बढ़ेगा। 2018 का चुनाव बड़ा रोचक मध्य प्रदेश में होना है। बीजेपी पिछले 3 बार से यहाँ सत्ता में है, 2003 के बाद से लगातार वो यहाँ मध्य प्रदेश की सत्ता पर काबिज है, लगातार सत्ता में रहने का एक रिकॉर्ड बनाया है। मुख्यमंत्री के रूप में शिवराज सिंह चौहान लगातार मुख्यमंत्री बने रहने का उन्होंने अपना एक रिकॉर्ड बनाया है। तो जो 2018 का जो फाइनल है, जिस पे आप ने सवाल उठाया है, वो बेशक बहुत रोचक होने वाला है। और कोशिश ये उपचुनाव में होती है कि जिसको बढ़त मिलती है, और फिर चेहरा वहाँ सिंधिया को घोषित करने की बात हो रही है कि शिवराज के मुकाबले चेहरा सिंधिया हो। हालांकि कांग्रेस ऐसा प्रयोग पहले कर चुकी है, इसके पहले जो मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ तो उनको एक चुनाव तो संजीव क्या ज्योतिराज सिंधिया का भी एक टेस्ट माना जाए, ये दोनों चुनाव अगर होते हैं तो? निश्चित तौर पर, ये उनका अपना गृह क्षेत्र है, शिवपुरी गुना विधानसभा क्षेत्र उससे लगा एक क्षेत्र है, और चंबल और ग्वालियर जो क्षेत्र है उसमें उनकी अपनी एक साख है, पकड़ है, धाक है, महल का एक बड़ा रुतबा होता है उस तरफ आप जाइए तो। और चूंकि अब उनका एक ये बार बार बात चल रही है कि चेहरा घोषित किया जाए, हालांकि कांग्रेस ने भी अपने पत्ते नहीं खोले हैं, बहुत कम वक्त है कि उनको मुख्यमंत्री के रूप में मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट किया जाता है या नहीं किया जाता है, तो इन सब के बीच में जो पूरे का पूरा एक जो समीकरण बनते हैं, उन समीकरणों में साख लगी। और फिर ये जो उपचुनाव में अब जिस तरीके की परिभाषाएं बोली जाने लगी, जो आप किरार समाज की जिस तरीके से आपने बात की, जो भाषा उसने बोली, तो मुझे लगता है ये सत्तारूढ़ दल को नुकसान पहुंचाने वाला है। ये ऐसी भाषाओं को पसंद नहीं किया जाता है, तो कुल मिला के बहुत रोचक होगा, रोचक होगा। जी, भी देखने वाली जी। दुर्गेश हमारे साथ में, दुर्गेश क्या कहेंगे जिस तरह से अगर हम बात करें कि अब पूरा दारोमदार हम हर चुनाव में देखते हैं, जिस तरह से शिवराज आपका एक चेहरा होते हैं, 2018 में भी वही एक चेहरा रहेगा, लेकिन पार्टी के नजरिए से देखा जाए तो आपको नहीं लगता कि एक ही चेहरे पर सारा दारोमदार? राजेश जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी संगठन आधारित पार्टी है, और ये गौरव भी भारतीय जनता पार्टी को ही हासिल है कि विश्व की सबसे बड़ी संगठन की दृष्टि से बड़ी पार्टी है। हमारा संगठन चुनाव लड़ता है, निश्चित रूप से माननीय शिवराज जी ने जो विकास के कार्य मध्य प्रदेश में किए हैं, जनता की नब्स को उन्होंने हमेशा ही पहचाना है, और जनता जो चाहती है निश्चित रूप से माननीय शिवराज जी ने जन कल्याण योजनाएं जो लागू की मध्य प्रदेश में, और उन योजनाओं के सहारे ही हम लोग विकास के, जो विकास का जो एजेंडा है हम लोगों का भारतीय जनता पार्टी का, उसके आधार पर हम चुनाव लड़ेंगे। और आने वाले समय में ये जो चुनाव होगा, निश्चित रूप से जो भारतीय जनता पार्टी की संगठन की शैली है कि नीचे तक कार्यकर्ता के साथ संपर्क होना चाहिए, उसी तारतम्य में ये बैठकें और ये सब हो रहा है। चलिए दुर्गेश, अगर हम बात करें, निश्चित तौर पर एक लीडर बेस्ड पार्टी है बीजेपी, लेकिन जिस तरह से अगर राधेश्याम धाकड़ का जो उन्होंने कुछ बोला और जिस शब्दावली का प्रयोग उन्होंने किया, अगर हम गुजरात चुनाव की बात करें तो जिस तरह से, हालांकि स्थितियां परिस्थितियां उस समय अलग थी, लेकिन राधेश्याम धाकड़ ने जो कुछ बोला, जिस शब्दावली का उन्होंने प्रयोग किया, क्या लगता है कि अभी से बीजेपी ने इन दोनों चुनावों को लेकर जिस तरह से कांग्रेस का ये गढ़ रहा है, कि आपको लगता है कि एक कहीं ना कहीं एक दबाव, एक टेंशन पार्टी के ऊपर है, यही कारण है कि इस तरह के नेता आपके बयानबाजी कर रहे हैं, भाषण दे रहे हैं वहां पर? राजेश जी, ऐसा कोई टेंशन वाली बात नहीं है जैसा आप बता रहे हैं। बाकी रही बात राधेश्याम जी की, तो उन्होंने, ये कोई पार्टी की मीटिंग नहीं थी, ये राष्ट्रीय किरार समाज की बैठक थी उन्होंने, और लोकतंत्र में आ रहा हूँ, लोकतंत्र में इन बातों को कहीं से कहीं तक जगह नहीं है जी, और ना ही ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए जी। ये उनके निजी वो हो सकते हैं, निश्चित रूप से ये इस टाइप की शब्दावली राजनीति में नहीं यूज होनी चाहिए जी। चलिए आनंद तरण साहब हमारे साथ में हैं। आनंद जी क्या कहेंगे, चित्रकूट चुनाव के बाद अब जब दोनों जगह चुनाव होने जा रहे हैं,
अभी तक देखा जाए जिस तरह से कैंपेनिंग वहां पर हुई, ज्योतिरादित्य सिंधिया लगातार वहां पर डेरा डाले हुए हैं, उसके अलावा कोई नेता वह नहीं पहुंच रहा है, तो क्या पार्टी ने मान लिया है कि सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया के बलबूते पे ही दोनों चुनाव लड़े जाएंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, चुनाव में तो सब जब जरूरत होगी सब अपने पहुंचेंगे नेता। जहां तक लोकतंत्र की बात है, दुर्गेश भाई ने एक बात अच्छी बोली कि इस तरह की भाषा का उपयोग नहीं है, लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये तो वो कांग्रेस पार्टी है जब देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे तो अंग्रेजों से नहीं लड़ी, जिनके ज़माने में उनका इतना राज, लंबा चौड़ा राज था कि सूर्यास्त नहीं होता था, और उस उन अंग्रेजों से शांतिपूर्व तरीके से कांग्रेस ने इस भारत को छीना है, और जब हिटलर की हिटलरशाही नहीं थी, जिसने पूरे संसार में कब्जा कर रखा था, वो भी जब गया तो खाली हाथ चला गया, तो ये तो भारतीय जनता पार्टी है, और एक छोटे से चुनाव में इस तरह के शब्दों का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, और किरार समाज की हो या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की हो, मीटिंग तो राजनीतिक थी और उसमें आदरणीय मुख्यमंत्री जी के सुपुत्र बाबर उपस्थित थे, यदि ऐसा कुछ था तो उन्हें बोलना चाहिए था कि हम इस बात से सहमत नहीं है, तो उस बात की अपन गरिमा मानते कि ठीक है, और ये चाल चरित्र चेहरे वाली पार्टी ये किस तरह इसकी भाषा का उपयोग कर रही है, ये तो बड़े समस्या पर है, और इससे ये आता है कि आने वाले अब जो भी चुनाव होंगे मध्य प्रदेश में या देश में, वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को गर्त में ले जाएंगे। अब मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की चला चली की बेला है। चलिए, संजीव श्रीवास्तव वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में। संजीव जी, जिस तरह से अगर हम बात करें, जिस शब्दावली का प्रयोग हमें अभी से, चूंकि अभी तारीखों का ऐलान भी नहीं हुआ, राधेश्याम धाकड़ ने जो बोला, वहीं अगर हम ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर देखें तो उन्होंने कहा कि सरकार को निर्वस्त कर दो, गुजरात में जिस तरह से बयानबाजी हुई, जिस तरह से भाषण हुए, क्या कुछ लगता है आपको कि इन उपचुनाव में और आगामी चुनाव में जो शब्दावली होगी वो कहीं ना कहीं बड़ी, कहा जा सकता है कि जो एक लोकतंत्र की भाषा होना चाहिए, मर्यादा की भाषा होना है, उससे कुछ अलग होगी? देखिए, अब जो सिंधिया जी की आप बात करते हैं उसमें मैं सीधे कहूंगा कि निर्वस्त्र अगर वो कहते हैं तो निर्वस्त्र से आशय उनका सीधे था कि जो सत्तारूढ़ दल है बीजेपी, उसको चेहरा दिखाइए, उसको हराइए, आशय ये था, और यदि उसमें आपत्ति है तो आपत्ति होगी, मुझे ऐसा नहीं लगता कि निर्वस्त्र शब्द कोई बहुत ऐसा हो कि जिससे कि, लेकिन धाकड़ ने जो कहा, धाकड़ का जो जिस तरीके से बयान आया वो कहीं लगता है विरोधी बेल्ट है, और उसमें अगर मुख्यमंत्री के सुपुत्र मौजूद हैं और भी पार्टी के कई कार्यकर्ता, ठीक है, समाज की बैठक थी, उनकी अपनी एक और उनकी भावना है, उनका अपना एक बात करने का तरीका हो सकता है, लेकिन इस तरीके की भाषा मुझे नहीं लगता कि, मैंने पहले भी कहा कि ये सत्तारूढ़ दल को लाभ पहुंचाने के शायद नुकसान पहुंचाएगी, और ये भाषा आम जनता, मतदाता इस तरीके की भाषा का बहुत स्वागत नहीं करता, वो उसको एंटरटेन नहीं करेगा, क्योंकि आपने गुजरात में देखा, गुजरात में भी वही हुआ था, गुजरात का जब आप जिक्र कर रहे थे, संकेत कर रहे थे, मणिशंकर अय्यर का वो बयान, प्रधानमंत्री का वो पद था, उनको जिस तरीके से उन्होंने इंगित किया, जो उन्होंने वो एक शब्द का उपयोग किया, और शब्द ने बहुत बट्टा बैठाया कांग्रेस का, तो मुझे लगता है कि स्वस्थ और एक अच्छी राजनीति के लिए इन सब चीज़ों से सीख लेना चाहिए, और ऐसी भाषा ना बोली जाए तो बेहतर है। आप चुनाव में हार और जीत अपनी जगह होती है, तैयारी अपनी तरीके से होती हैं, आपका कहने का तरीका यदि आप इसको सौम्य में अच्छे शब्दों में बोलते तो ज़्यादा उचित होता। संजीव जी, देखा जाए कार्तिकों को जिस तरह से उतारा गया है, क्या माना जाए कि अब यहाँ से कार्तिकों को मध्य प्रदेश में राजनीति में उतारने की तैयारी है, पहले टेस्ट कर लिया जाए इन दोनों चुनाव में, फिर जब विधानसभा के चुनाव आए में उसमें उनकी पारी देखेंगे, तो एक यही रास्ता कह सकते हैं कार्तिकों के लिए यहाँ से? नहीं, देखिए, उसके पहले भी कार्तिक के चुनावों में और कई मौकों पे सक्रिय नजर आए, अच्छा वो सचिन ज्यादा बाहर नहीं निकले, उनका जो विधानसभा नहीं, इसके पहले आप जाइए, यदि आपको ध्यान हो कि जब पिछली बार विदिशा और बुधनी में चुनाव हुए थे तब कार्तिक खुलकर मैदान में आए, तो उन्होंने भाषणबाजी की थी अच्छी, उनकी वाक क्षमता अच्छी है, जैसा मुख्यमंत्री की अपनी एक शैली है, बहुत अच्छा बोलते हैं वो, उस तरीके का उनमें भी कहीं कहीं कुछ कुछ एक कहते हैं ना कि पूत के पांव पालने में नजर आते हैं, तो कहीं कुछ वैसा नजर आता, और राजनीति अब जिस तरीके से चल रही है वो ऐसा माना जा सकता है कि शायद अब वो भी उस तरफ कदम बढ़ा चुके हैं, और अगर आ रहे हैं तो कोई मुझे लगता नहीं है कि कोई गलत कर रहे हैं, या हर आदमी अपने अपने तरीके से कोशिश करता, और खासकर जब उसके अगली पीढ़ी जब आना चाहती है तो मुझे लगता है कि उसकी शुरुआत वो पहले हुई थी और इसको वो आगे बढ़ा रहे हैं। क्या संजीव, संगठन की भी एक सोच हो सकती है कि अब कार्तिकों को आगे बढ़ाया जाए, अगर उससे भी कुछ, जिस तरह से शिवराज जी का एक चेहरा रहा है, जिस तरह से उनका एक जुड़ाव लोगों से है, अब इनको तैयार करके आगे बढ़ा के कहीं ना कहीं पार्टी को इनसे भी बेनिफिट्स लिया जाए? नहीं, तो बहुत लंबी फहरिस्त है, अगर आप इस पर बात करेंगे बहुत लंबी एक सूची है, जिसमें पिता के बाद पुत्र, मध्य प्रदेश में बहुत सारे उदाहरण, जो पिता थे अब उनके पुत्र जो है मंत्री बने हुए हैं,
दिग्विजय सिंह जी के बेटे आज विधायक हैं, तो उसी दिशा में कदम है उसको, और अगर उसमें क्षमता होगी तो निश्चित तौर पर आगे बढ़ेंगे। अभी तो हवा का रुख जो है सीधे सीधे बहुत बीजेपी के पक्ष में नजर आता है। बिल्कुल, टेस्ट जब माना जाएगा, जब विपरीत हालातों में, प्रतिकूल परिस्थितियों में जब आप आगे बढ़ेंगे, तो शायद ज्यादा आनंद और मजा आएगा कि क्या आप में क्षमता है, कितनी आप आगे बढ़ पाते हैं। बिल्कुल, दुर्गेश जी, जिस तरह से अगर हम बात करें इन दोनों चुनावों की, अगर चित्रकूट का जब चुनाव हुआ आप हारे, पूरा दमखम के साथ पार्टी चुनाव लड़ी लेकिन हारे, उसके बाद कहा गया कि ये दोनों, ये जो चित्रकूट सीट थी वो पारंपरिक सीट थी। अब अगर इन दोनों सीटों की बात करें तो ये भी एक पारंपरिक कांग्रेस की सीट है, तो क्या कहेंगे इसको लेकर कि कहीं ना कहीं अगर आप जीत जाते हैं तो ठीक है सब कुछ हुआ, नहीं तो फिर एक पल्ला झाड़ लेते हैं आप, तो क्या कुछ ऐसा ही कुछ इन जो चुनाव होने जा रहे हैं इसको लेकर क्या कुछ रणनीति अब मानते हैं पार्टी की? राजेश जी, कोलारस और मंगावली के कार्यकर्ताओं ने इस बार ठान लिया है कि ये दोनों सीटें माननीय मुख्यमंत्री जी को जिता के देनी है हम लोगों को, और भारतीय जनता पार्टी के संगठन को देनी है। रही बात, मेरे मित्र भी बात कर रहे थे परंपराओं की, तो ये भाषा जो शैली जो इनके कांग्रेस के लीडर्स ने कही है, आज मणिशंकर अय्यर ने क्या बयान दिए, राहुल गांधी ने क्या बयान दिए, मैं इनकी डेप्थ में नहीं जाना चाहूंगा, पर क्योंकि ये इनकी विचार शैली और विचारधारा रही है तो उस पर इन्होंने बात की होगी। मेरा ऐसा मानना है कि राजनीति में इन शब्दों को कहीं पर से जगह नहीं मिलनी चाहिए, नहीं कि किसी चीज को, और बिल्कुल निश्चित रूप से जो कार्तिकेय जी अभी वो वहां पे गए थे तो ये उनके समाज की बैठक थी, पार्टी के आधार पे पार्टी की तरफ से तो नहीं थे, उनके सामाजिक एक बैठक थी जिसमें वो पार्टिसिपेट करें और उसके अधिकार भी हैं उनको, उनको वापस अपने बैठक में जाने के। जी चलिए, आनंद जी क्या कहेंगे इस तरह से बात की? एक्चुअली क्या है, कहीं पार्टी आ जाती कहीं समाज आ जाती, भाई अगर ईमानदारी से अगर वो सामाजिक बात है और पार्टी के लोग हैं तो अगर बीजेपी में दमखम है तो उन पर कार्रवाई करके दिखाएं, बाकी हम तो विश्वास करते नहीं भारतीय जनता पार्टी पर, क्यों भारतीय जनता पार्टी में चाहे कोई दाग हुई हो, चाहे किसी ने लूट की हो, किसी ने चोरी करा हो, डाका डाला हो, कुछ भी करा हो, लेकिन आज तक के इतिहास में भारतीय जनता पार्टी के किसी भी एक नेता कार्यकर्ता के ऊपर पार्टी ने कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन अगर हम आनंद जी बात करें तो अभी भी चेहरे की तलाश मध्य प्रदेश में कांग्रेस को लेकर है, अगर सिंधिया की हम बात करें तो मान सकते हैं कि अगर परफॉर्मेंस अगर बेहतर रहा ज्योतिराज सिंधिया का तो वो चेहरा एक मध्य प्रदेश के होंगे। राजेश जी, आपने देखा होगा जब से मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं मैं, मध्य प्रदेश के इतिहास में आज तक शायद मुख्यमंत्री कांग्रेस ने प्रोजेक्ट नहीं किया। हमारे यहाँ विधायक दल का जो नेता बनता है, जिसको बनाते हैं, वो ही मुख्यमंत्री बनता है, ये एक परंपरा कांग्रेस ही शुरू से है, और ये बात को बार बार भारतीय जनता पार्टी और मीडिया हमेशा उछाल रहे हैं इस बात को। और अभी हमारे केंद्रीय नेतृत्व में घोषित कर दिया कि मध्य प्रदेश में अध्यक्ष आदरणीय अरुण यादव जी रहेंगे। नहीं, लेकिन अभी जिस तरह से बयान आया है दिग्विजय सिंह के बेटे ने जो जवाब अभी बयान दिया है कि अब मार्च से उनकी राजनीतिक यात्रा शुरू होगी, तो कहीं ना कहीं लगता है कि अब जब दिग्विजय सिंह आएंगे तो फिर एक बार जो समीकरण बनते हैं कांग्रेस में अलग अलग धड़ों में बढ़ जाती है, अलग अलग कुनवे तैयार हो जाते हैं, क्योंकि आज ही संकेत दिए हैं। देखिए दिग्विजय सिंह जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के और भारतीय राजनीति के एक ऐसे व्यक्तित्व हैं कि उनके इर्द गिर्द राजनीति चलती है। यहाँ तक मध्य प्रदेश की बात है, मध्य प्रदेश में आपने देखा होगा जब वो इस प्रदेश के मुखिया थे तब उन्होंने ये नहीं देखा था मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, उस समय श्यामा चरण शुक्ल जी पावर में थे और उनके ही चांस ज्यादा थे, सुभाष यादव जी का भी नाम था, वो अंतोगत्वा दिग्विजय सिंह जी के ऊपर नाम आके फाइनल हुआ। तो दिग्विजय सिंह जी कोई तोड़फोड़ की राजनीति में कभी विश्वास नहीं रखते, वो तो क्रिएटिव काम करते हैं पार्टी को मजबूत बनाने के लिए, वो जो भी कदम उठाएंगे पार्टी को मजबूत उठाने के, लेकिन एक छत के नीचे भी नहीं आते वो। नहीं नहीं, एक छत के नीचे सर, कांग्रेस में एक ही छत के नीचे आज अगर ये घोषित करेंगे तो कांग्रेस खुद अपने आप पे हाशिए पे आ जाएगी। इनके लीडर्स आज मध्य प्रदेश में वर्चस्व की लड़ाई है कांग्रेसियों में, दुर्गेश चाहे वो राहुल भैया हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की बात कांग्रेस की बात कीजिए आप, कांग्रेस मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में, इसीलिए वो लोग कोई कह रहे भाई आप अपनी चिंता करिए कि आप चलिए मुख्यमंत्री कौन होगा। अभी तो कह सकते हैं कि अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन जो एक घमासान है सियासत का वो जरूर देखने को मिल रहा है। चूंकि वक्त कम है, हमारे साथ इस चर्चा में वरिष्ठ पत्रकार संजीव श्रीवास्तव साहब जुड़े, बहुत शुक्रिया संजीव जी आपका हमारे साथ में, दुर्गेश केसवानी जी बीजेपी नेता आपका बहुत शुक्रिया, और अनंत तरण कांग्रेस नेता, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। और जिस तरह से अब देखा जाए मोगावली और कोलारस
चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी होना बाकी है, लेकिन जिस तरह का दंगल वहां पर तैयार हो गया है कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से, तो कह सकते हैं कि ये जो सेमीफाइनल है फाइनल के पीछे काफी दिलचस्प होगा। और अब देखना होगा कि इन चुनावों में ऊंट किस कमर बैठता है और यहीं से फाइनल यानी 2018 विधानसभा की चुनाव की जो दिशा और दशा है वो तय होगी। आज की चर्चा में बस इतना ही। न्यूज़ वर्ल्ड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।